हेलो, गुड म�र्निंग दोस्तों। 13 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और टीआईपी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो आई है IREDA के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में जो न्यूज है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट यह है कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और IREDA लिमिटेड के बीच में एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, वो साइन हुआ है 150 मिलियन का। तो उसको लेके कंटेक्स्ट है। तो यूपीएससी पूछ सकती है तो डायरेक्टली ऐसे ही कि रिसेंटली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किसके साथ लाइन ऑफ क्रेडिट है वो साइन वगैरह किया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके साथ लाइन ऑफ क्रेडिट है वो क्या है 150 मिलियन का IREDA के बारे में। तो देखते हैं कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है क्या क्या है। अब देखते हैं हम IREDA के बारे में कि IREDA है क्या। ये IREDA है ना, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यह मेनली इंडिया की जो मिनी रतन जो कैटेगरी वन की कंपनीज हैं उनके तहत आती है। जैसे कि इंडिया की महारत्न कंपनी है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे गेल हुई, भेल वगैरह हुई, NTPC वगैरह, वो तो है इंडिया की महारत्न कंपनी। और महारत्न जो छोटी होती है उनको बोलते हैं मिनी रत्ना। तो मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है IREDA, जो कि आती है मेनली मिनिस्ट्री ऑफ जो आती है ना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। काम क्या है इसका, इसका बॉडी का मेनली काम ये, इस कंपनी का काम ये है कि भाई एनर्जी है वो सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब ये क्या करती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल एड वगैरह वो देती है। इसका मोटो है, वो टैगलाइन वो इसकी है कि एनर्जी फॉर ऑल, मतलब सभी को एनर्जी है वो मिल सके, इसके लिए काम है वो करती है। रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर मेनली ज़्यादा फोकस करती है। इसे मेनली 1987 में बनाया गया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तहत। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिक जो UPSC पूछ सकती है, एक तो ये पूछ लेगी भाई महारत्न कंपनी है नहीं, तो ध्यान रखना कि नहीं मिनी रत्न यह कंपनी है, मिनिस्ट्री है वो कौन सी है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। काम क्या है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मतलब सभी को एनर्जी लाइट है वो मिल सके, उसके लिए मेनली स्टेप उठाती है किसी को फाइनेंशियल एड वगैरह देने का, वो सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। तो जो कुछ बेसिक न्यूज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है मिलन एक्सरसाइज 2018 के बारे में। तो कंटेक्स्ट यह है कि मिलन एक्सरसाइज है 2018, उसका जो एडिशन है वो 10वां एडिशन है, वो इस बार सक्सेसफुली किया गया है उसके बारे में आया है। तो मिलन एक्सरसाइज है उसका जो 10वां एडिशन है वो एक्चुअली 11 मार्च को कंप्लीट हुआ था। तो उसको लेके ये कंटेक्स्ट वगैरह तो देख लेते हैं। अब देखो इसके बारे में हमने एक बार पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, बट एक बार वापस अब देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली वापस न्यूज़ में आई है। यह मेनली मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जो कि अंडमान की होस्ट है वो की गई है, अंडमान के द्वारा या अंडमान वाले एरिया में इसको होस्ट है वो क्या गया, मतलब इंडियन ओशन बोल सकते हो आप कि इंडियन ओशन में अंडमान के नियर बाई इसको होस्ट है वो किया गया। थीम क्या है इस बार की, इसकी इस बार की जो थीम हुआ है फ्रेंडशिप अक्रॉस द सी, मतलब हमारे देश जो इंडियन ओशन रीजन है इसमें सभी कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप है, मैत्रीता है वो बनी रहे और आपस में एक तरीके से मिलजुल के काम करें, उसके लिए है वो मेनली आयोजित की गई। अब देखो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो मिलन एक्सरसाइज 2018 है ये मेनली अंडमान निकोबार की जो नेवल कमांड है ना, क्योंकि देखो अंडमान निकोबार है वो आपको पता है आयरलैंड है, तो वहाँ पे नेवल जो इंडिया की नेवी है उसके नेवल वाला जो कमांड वाला हिस्सा है वो वहाँ पे एक्चुअली सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो अंडमान निकोबार की जो नेवल कमांड है ना उसके द्वारा इसे होस्ट है वो किया गया है और इसका 10वां एडिशन जैसे मैंने अभी बताया इस बार होस्ट किया गया है। इसकी शुरुआत हो की गई थी 1995 में। तो UPSC एक तो ये पूछ सके भाई रिसेंटली इसका होस्ट वगैरह किया गया, नहीं नहीं ये 1995 से एक्सरसाइज है वो की जा रही है, 10वां एडिशन है उस बार आया। ये चीज़ बेसिक ध्यान रखनी। काम क्या है, काम इसका सही है कि आप जो इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज हैं उसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आपस में जो कोई भी ऑपरेशन आता है जैसे कोई बार सुनामी वगैरह आती है तो उस टाइम पे मिलके अगर एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बचाव राहत कार्यक्रम चलाने हो तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपस में एक दूसरे कंट्रीज हैं स्किल वगैरह डेवलप कर सकेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि मलेशिया के पास कोई अच्छी स्किल है तो मलेशिया वो स्किल इंडिया को देगा और इंडिया उस स्किल का यूज़ करते हुए फ्यूचर में इंडिया उसका यूज़ कर सकता है। तो मतलब आपस में सहयोग करके तो फायदा ये होगा कि जो मेरिटाइम सिक्योरिटी है उसको आपस में सुनिश्चित है वो किया जा सकेगा। तो उसके लिए एक्सरसाइज है वो की गई है, किसके द्वारा होस्ट की गई है वो की गई है अंडमान निकोबार नेवल कमांड के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। तो देखते हैं क्या है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सबसे पहली बात ये थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो एक नोडल एजेंसी है जो क्या काम करती है, इसका मेन काम है कि क्राइम और एक्सीडेंट हुए या फिर सुसाइड हुए या फिर प्रिजन्स और कैदी वगैरह हुए उनके बारे में जो भी डाटा है उसके बारे में रिसर्च वगैरह करती है। जो कोई भी क्राइम होगा तो उसका जो भी डाटा है उसके साथ रिसर्च वगैरह करना, उन सबका काम कौन करता है, वो करती है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो ये चीज़ बेसिक ध्यान रखनी है आपको। इसके साथ ही अगला पॉइंट इसका ये आता है
कि इसका निर्माण कब किया गया था। जो इसका निर्माण है ना, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका निर्माण किया गया था मेनली 1985-86 के आसपास। यह मेनली नेशनल पुलिसिंग उस टाइम का जो नेशनल पुलिस कमीशन था 1977 से 1981 के बीच में, उसके द्वारा पुलिस की रिकमेंडेशन है वो दी गई थी और उसके बाद इसका निर्माण है वो किया गया था। तो बेसिक आपको डेट ईयर वगैरह याद नहीं रखनी है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो एक्चुअली अभी नहीं बना है, वो काफ़ी पहले बना हुआ 1985-86 के आसपास। बस इतना आपके लिए इनफ है। इसके बाद में इसका काम क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसका काम मेनली ये है कि भाई जो गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल सिस्टम बनाया गया था, आपको ध्यान है इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, वो है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो उसको जो सिस्टम बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो काम है वो क्या जाएगा एनसीआरबी के द्वारा। अब ये जो सीसीटीएनएस जो नेटवर्क जो है ना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसमें ये है कि कोई भी जो क्राइम क्रिमिनल वगैरह ना, उसका डाटा सारा ऑनलाइन एक जगह रखा जाएगा। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि कोई भी अपराध, जैसे उसने दिल्ली में कोई भी अपराध किया, इसके बाद वो भाग गया तमिलनाडु चला गया, वहाँ पे वो कोई क्राइम वगैरह कर रहा है, तो अगर यहाँ पे उस क्रिमिनल ने कोई भी अपराध क्राइम किया उसके बाद वो तमिलनाडु में कर रहा है, तो वहाँ पे उसका डाटा है वो सारा ऑनलाइन रहेगा। तो जैसे ही तमिलनाडु की पुलिस उसको वहां पकड़ेगी तो पता चल जाएगा कि भाई इस अपराधी ने दिल्ली में भी कुछ अपराध है वो किए हैं या फिर और कहीं भी अपराध किया। तो मतलब सारा डाटा है वो एक जगह रखा जाएगा। इससे एक तो ये होगा कि आपस में जो पुलिस वगैरह ना, उसको डाटा वगैरह ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि जो अपराधी वो एक स्टेट में क्राइम करते हैं फिर पड़ोसी वाले स्टेट में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर उस स्टेट की पुलिस को इधर उधर भागना पड़ता है, तो काफी सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और काफी सारा पैसा भी खर्च होता है। तो इससे क्या होगा कि सारा डाटा वो एक जगह रहेगा और क्रिमिनल्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन एफआईआर वगैरह वो सारे काम इसके तहत किए जाएंगे। तो ये इसको है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एनसीआरबी है वो क्या है, नोडल एजेंसी या मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो कि सीसीटीएनएस जो नेटवर्क है उसको इंप्लीमेंट कर रही है। बेसिक चीज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। और एक चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट और वो आ जाती है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है एक्चुअली फर्स्ट कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी के बारे में, NACP के बारे में। तो देखते हैं नेशनल अकेडमी ऑन कोस्टल पुलिस का जो आर्टिकल है वो देखते हैं। पहली जो कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी है वो एक्चुअली गुजरात में स्टेबल है, वो की गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की पहली। अब देखो एक दो चीज़ हम जो बेसिक फैक्ट है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है ना, जो समुद्र से सीमा टच होती है, वो उसकी लिमिट कितनी, मतलब कितनी सीमा है, वो है 7517 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप ये बताइए चलो कि इंडिया की जो लैंड वाला हिस्सा है वो कितने, उसकी जो लैंड बाउंड्री वो कहाँ तक है, उसकी लिमिट क्या है, मतलब उसकी रेंज क्या है, वो आपको बताना है कितने किलोमीटर है। जैसे मैं कोस्टल वाली मैंने आपको बता दी, तो वो आपको बताना है कि इंडिया की जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर को शेयर करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें और क्या है। देखो ये जो फर्स्ट कोस्टल पुलिस अकेडमी है ये क्यों बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो भी मेरीटाइम लॉ वगैरह है ना उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ ही जो वेपन्स हैंडलिंग वगैरह है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो आप बेसिक चीज़ें देख सकते हो कि गुजरात वाला जो एरिया है ना, इसी से आपको ध्यान है कि मुंबई में जो अटैक हुआ था वो इसी वाले एरिया से होता है, पाकिस्तान ने इधर से आतंकवादी वो भेजे थे, मतलब अरब सागर वाले हिस्से से। तो इस वाले एरिया में एक तो पायरेट्स का भी खतरा रहता है, मतलब काफ़ी सेंसिटिव वाला एरिया हो जाता है ये अरब सागर वाला, जैसे ये इंडिया के अरब सागर वाला हिस्सा है काफ़ी सेंसिटिव होता है, यहाँ से अपराधी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि भाई इस वाले एरिया में अगर पुलिसिंग अकेडमी खोलते हैं तो यहाँ पे जो पुलिस जो भी मतलब डिफेंस फोर्स रहती है, फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स रहती है, जो भी कोस्टल गार्ड रहती हैं, उनको आपस में ट्रेंड किया जा सके ताकि इस वाले एरिया में कोई भी अपराधी गतिविधि वो ना हो सके। तो उन सबको अंजाम देने के लिए जो पुलिसिंग अकेडमी है वो बनाई गई है ताकि यहाँ पे जो अलीगल काम होते हैं ना उनको ऊपर लगाम लगाया जा सके। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो कि आती हैं होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, इसी के साथ जो डिफेंस फोर्स है जो कि BSF वगैरह है, वो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग है वो दी जाएगी ताकि यहाँ पे जो भी इस वाले एरिया में सिक्योरिटी उसको और ज़्यादा सुनिश्चित किया जा सके। मेनली स्किल वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वेपन हैंडल करने हैं, अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें नेविगेशन को कैसे यूज करना है, कैसे समस्या से निपटना है, वो सारी स्किल्स वगैरह दी जाएंगी, मतलब स्किल है वो डेवलप करनी है। इसके साथ ही अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है BPRD, वो इस प्रोजेक्ट को रन करेगा, इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा, और BSF और इंडियन कोस्ट गार्ड है उसको भी इसमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की थी। पैरामिलिट्री फोर्स में जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है कि जो CISF, CRPF वगैरह वो पैरामिलिट्री फोर्स में आती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड एट ITV बर्लिन में। तो देखते हैं कि क्या है ये अवार्ड और इंडिया को यह अवार्ड है वो मिला है। देखो बात ऐसी है
कि इंटरनेशनल टूरिज्म जो बर्लिन में आयोजित किया जाता है ITB, उसको जो अभी आयोजन है वो किया गया था, और उसमें इंडिया को बेस्ट एग्जीक्यूटर अवार्ड है वो दिया गया है। हुआ क्या था, इंडिया की जो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने क्या एक शॉर्ट मूवी दिखाई थी, बर्लिन कहाँ पे, पहली बात तो ये ध्यान रखना बर्लिन है वो है जर्मनी में, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज है वो नहीं होनी है। अब इंडिया ने जो छोटी सी मूवी दिखाई थी ना, जो इंडिया की मतलब टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो वहाँ पे गई थी इसको इसमें मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसने एक मूवी दिखाई जिस शॉर्ट मूवी जिसका नाम है योगी ऑफ रेस ट्रैक मूव, तो ये ध्यान रखना कि रेगी जोरी योगी ऑफ ट्रेस रेक जो मूवी है इस मूवी को वहाँ पे प्रदर्शनी में दिखाया गया था, और इसको काफ़ी सारे हिट है वो लाइक मिले थे, तो उसके आधार पे जो बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड है वो मिला है इंडिया को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने, कहाँ आयोजित होता है, ये आयोजित होता है ITB मतलब बर्लिन में। ITB का मतलब क्या है, इंटरनेशनल टूरिज्म बर्लिन, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये मेनली वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें है जर्मन वगैरह में, तो ये थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज तो वो आपको याद नहीं रखना है इतना, बस ये ध्यान रखना कि इंटरनेशनल टूरिज्म बर्लिन में आयोजित होता है जो कि लार्जेस्ट टूरिज्म ट्रेड फेयर है, उसके द्वारा इंडिया को अवार्ड है वो दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि इंडिया ने एक अपनी शॉर्ट मूवी दिखाई थी जिसका नाम है योगी ऑफ रेस ट्रैक मूवी, तो उसके लिए अवार्ड है वो दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट जो न्यूज है वो IMLE संवेदना एक्सरसाइज के बारे में, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है संवेदना एक्सरसाइज और क्यों अभी न्यूज में। देखो ये मल्टीलेटरल एयरफोर्स की एक्सरसाइज है संवेदना एक्सरसाइज, वो भी आयोजित की गई है किसके द्वारा, ऑब्वियसली एयरफोर्स एक्सरसाइज है तो एयरफोर्स के द्वारा ही आयोजित होगी, तो ये कंटेक्स्ट है। और यहाँ पे इसके साथ ही एक बात यह है कि जो साउथर्न एडन कमांड है, जो साउथर्न हिस्सा है इंडिया का, उस वाले के द्वारा इसको होस्ट है वो किया गया है मेनली। अब है क्या इस एक्सरसाइज में वो चीज देखते हैं। देखो बात ऐसी है कि साउथ एशियन जो रीजन है ना, इसमें आपको पता है काफी सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं आजकल, चाइना भी अपना दबदबा वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए वाला एरिया। तो यह मल्टीनेशनल जो कोऑपरेशन है वो आपस में डिजास्टर से निपटने के लिए, जैसे कि साउथ एशिया का जो रीजन है, एक सेकंड चलो मैप निकाल लेते हैं ताकि चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये आप देख सकते हो कि साउथर्न वाला जो ये वाला हिस्सा है इसमें जैसे कि म्यांमार वगैरह हुआ, थाईलैंड वगैरह हुआ, फिर मलेशिया, सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, इनके पास कोई भी जो स्किल आपस में एक्सचेंज करेंगे, मतलब जो भी एक्सरसाइज है इसमें जो भी उनके पास बेस्ट नॉलेज है वो आपस में शेयर कर सकेंगे। फिर यहाँ पे जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, ओमान वगैरह, यमन वगैरह, ये भी अपने एक्सरसाइज में हिस्सा वो लेंगे, तो इसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी जैसे एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, फिर कोई भी अपराध वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी एक तरह से तूफान वगैरह, साइक्लोन, सुनामी वगैरह आती है, तो उसमें आपस में डिजास्टर वगैरह से निपटने के लिए, ताकि फ्यूचर में किस तरीके की। देखो इस वाले एरिया में आपको पता है कि साइक्लोन वगैरह काफी ज्यादा आते हैं, तो उन सबसे निपटना काफी अहम हो जाता है। अब हो सकता है कि मलेशिया के पास कोई ऐसी स्किल हो जो इंडिया के पास ना हो सकता है कि श्रीलंका के पास ऐसी स्किल हो जो इंडिया के पास ना हो, या फिर इंडिया के पास ऐसी स्किल हो जो इन कंट्रीज के पास ना हो, तो अगर अभी आपस में एक तरीके से सहयोग या कोलोब्रेशन करके एक्सरसाइज की जाती है तो उसका फायदा होगा कि फ्यूचर में कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी भी एरिया में, जैसे मलेशिया में प्रॉब्लम आ गई या फिर श्रीलंका में आ गई, फिर इंडिया में आ गई, तो हम उस प्रॉब्लम से निपट सकें, तो उसके लिए एक्सरसाइज का जो ई सवेदा एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। दूसरी चीज आपने देखी है कि आपस में डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए कोऑपरेशन सहयोग है उस पर फोकस है वो किया जाएगा, मैंने सुनामी के लिए, क्योंकि इस वाले एरिया में सुनामी है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है वो रहती है, तो इसके बारे में जो बेसिक न्यूज थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, जिसने क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है उससे 150 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट वो मिली है। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट है ना वो एक्चुअली एक तरीके से लोन ही होता है, ये फ्री नहीं होता है, इसमें बस ये होता है कि ब्याज रेट है ना वो बहुत कम होती है, जैसे कि ये मान के चलो बहुत सस्ती रेट पर ब्याज रेट दिया जाता है कि 0.1% हुआ, 0.2%, इस तरीके बहुत कम रेट पर जो ब्याज जो दिया जाता है दूसरी कंट्री को पैसा वो होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वो इंडिया की मणिरत्न कंपनी है जो कि एनर्जी के लिए काम करती है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। इसके बाद में मिलन एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया, बस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी कि मालदीव ने इस बार मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट वो नहीं किया है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है। इसके बाद में है वह NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, काम क्या है इसका, इसका काम ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया था, लास्ट सिस्टम बनाया था ताकि जो भी क्रिमिनल वगैरह हैं, क्राइम वगैरह करते हैं, उनका सारा डाटा एक जगह रखा जा सके ताकि वो कहीं भी इधर उधर भाग जाते हैं तो भी उनका पकड़ में आराम से पकड़ा जा सके। CCTNS जो नेटवर्क बनाया गया था, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हुआ NCRB के द्वारा है, और अभी इसकी 33rd जो यूनिवर्सिटी थी उसका बारे में न्यूज़ आई थी, तो ये कुछ बेसिक्स न्यूज़ थी। इसके बाद में हमने डिस्कस किया NACP के बारे में, NACP क्या है, हमने डिस्कस किया कि नेशनल
सॉरी एनएसीपी के बारे में डिस्कस किया कि एमएलए इंडिया की पहली जो कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी है वो बनाई गई है, नेशनल अकेडमी ऑफ पुलिस, नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस है यह बनाई गई है। कब है इसका मेन मोटो क्या है, गुजरात में बनाई गई है कि भाई इंडिया की जो पैरामिलिट्री जो कोस्टल एरिया की जो पुलिस है ना उसको सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड वगैरह किया जा सके, स्किल वगैरह दी जा सके, ताकि फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे अगर कुछ एक्टिविटी जो है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये थी वैसे डिस्क इसके बाद में सॉरी एक न्यूज़ और हमने डिस्कस की थी वो थी आईटीबी के बारे में कि आईटीबी इंटरनेशनल जो टूरिज्म ऑफ बर्लिन है वो एक लार्जेस्ट टूरिज्म ट्रेड फेयर है और उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था तो इंडिया ने उसमें बेस्ट अवार्ड है वो जीता है। इसके बाद में अपने संवेदना एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और साउदर्न एयर कमांड है उसके द्वारा होस्ट की गई है ताकि मल्टी फ्यूचर में अगर कोई भी इस वाले एरिया में डिजास्टर वगैरह आता है तो उससे निपटने के लिए इन्वायरमेंट है वो बनाया जा सके। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फिलिप्स करो के बारे में, तो आपको बताना कि फिलिप्स करो है वो क्या क्या शो करता है क्योंकि इस बारे में यूपीएससी है वो बेसिक डायरेक्ट पूछ है। पहला ऑप्शन इसमें ये दिया गया है कि फिलिप्स करो है वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के लिए है काम है वो करता है। नेक्स्ट ये है कि पर कैपिटा इनकम और सेविंग रेट है उसके लिए ये शो करता है। और थर्ड ऑप्शन इसमें ये दिया गया है कि लैंगिक असमानता और जीडीपी के बारे में यह बताता है। और फोर्थ वो दिया गया है कि मुद्रास्फीति और मुद्रा विनिमय के बारे में, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखो फिलिप्स करो डायरेक्टली काफ़ी सिंपल है इकोनॉमी में तो इसका ऑप्शन हो जाता है, आप बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन होता है ए एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच में क्या होगा वो शो करता है कि भाई किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी फिर जो इन सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसके साथ महंगाई या महंगाई कैसे बढ़ रही है तो उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है, एमएलई मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको जो हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किए हैं बॉडीज वगैरह टाइगर रिजर्व के बारे में। तो पहला है वह बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, दूसरा है वह पलूमा टाइगर रिजर्व और तीसरा आता है वह सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से टाइगर रिजर्व कौन से सही है। तो बेसिक आप देखो देखो आपको कोई भी एक वगैरह उसके आप एक तरीके से आइडेंटिफाई है वो कर सकते हो। ये आपको पता है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो वेस्ट बंगाल में बिल्कुल सी अभी रिसेंटली है न्यूज़ में भी था। इसके बाद में बात आती है पलूमा, पलूमा टाइगर रिजर्व है ये मेनली झारखंड में आता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे गलत हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या बचेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया और फोर्थ भी गलत हो गया, मतलब क्या हुआ इसका आंसर है केवल फर्स्ट है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में आंसर वो एलिमिनेट कर सकते हो और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो एग्जाम में हमें अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसका सबसे अच्छा काम ही है हमें देखो मेहनत तो करनी करनी है बट मेहनत के साथ हमें एक स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि बिना स्मार्ट वर्क के हम जो काम है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए करना कि दिमाग तो है ही है, गधा मेहनत तो गधा भी करता है बट उसके बाद भी वो उतना आउटपुट नहीं ले पाता है ना, तो हमें मेहनत तो करनी करनी है बट मेहनत के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। अब यहाँ पे आप वो लोग तीनों बैठने बैठ जाओगे यार मेरे को पता ही नहीं है, तो आप एक तरीके से एलिमिनेट करके ज़्यादा एग्जाम में आंसर है वो अटेम्प्ट कर सकते हो कि भाई सेकंड ऑप्शन वो आपको पता है कि पलूमा टाइगर जो वो बिहार में नहीं है झारखंड में, तो ऑब्वियसली सेकंड गलत हुआ था, उसका मतलब क्या हुआ बी सी डी है वो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके साथ आप देख सकते हो कि सरिस्का जो नेशनल पार्क है वो भी एक्चुअली राजस्थान में है, तो ये चीज़ भी आपको बेसिक ध्यान होना चाहिए। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फिलहाल के डिस्कशन में तो इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।